और खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के नानपारा कोतवाली के ताजपुर टढ़िया गांव से है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना प्रकाश में आई है, जहां पर गांव के कुछ दलित नाबालिग बच्चों पर मात्र 5 किलो गेहूं का अनाज चोरी करने का आरोप लगाते हुए गांव के विशेष समुदाय के दबंगों ने उनका सिर मुड़वा करके उनके मुँह पर कालिक पोत करके उनके सिर और चेहरे पर चोर लिख करके पूरे गाँव में परेड करवाई है। गौरतलब है कि नाबालिग बच्चे व उनके माता पिता विशेष समुदाय के दबंगों के आगे हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, परंतु दबंगों को उनके ऊपर तरस नहीं आया। गांव के लोगों के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं रही कि वे लोग इस समन्वय कृत्य का विरोध कर सके। गांव के लोगों के द्वारा इस घटना का वीडियो बना करके जब सोशल मीडिया में वायरल किया गया तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझ कर तत्काल कार्रवाई में जुट गई। मिली जानकारी के मुताबिक विशेष समुदाय के 3 लोगों पर पुलिस ने SC ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया है। विशेष समुदाय के लोगों पर बाल श्रम करवाने, जान से मारने की धमकी देने जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। दरअसल ताजपुर टढ़िया गांव के रहने वाले नाजिम के फार्म हाउस में गड़ासा और गेहूँ चोरी हो गया था। उसने अपने दोस्त कासिम और इनायत को फार्म हाउस पर बुलाया। आरोप है कि चोरी के शक में गांव के 3 बच्चों को जबरन उठाकर मुर्गी फार्म हाउस पर ले गए, उन्हें लात घूसों से मारा पीटा, फिर तीनों के हाथ रस्सी से बांध दिए, बच्चों के मुंह पर कालिक पोत दी, आधा सिर मुंडवा दिया, फिर पूरे गांव में घुमाया। सूचना मिलते ही बच्चों के घर वाले पहुंच गए, हाथ जोड़कर बच्चों को दबंगों के चंगुल से छुड़ाया। बच्चों की उम्र करीब 10 से 14 साल के अंदर ही बताई जा रही है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि बच्चों ने मुर्गी फार्म पर 1 साल तक काम किया था, 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया था। इससे नाराज होकर संचालकों ने चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए बच्चों के साथ में इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया है। वही क्षेत्राधिकारी CO नानपारा प्रद्युमन सिंह ने बताया है कि परिजनों की शिकायत पर SC ST में मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वह इस मामले में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष ने मुर्गी फार्म पर बुलडोजर के कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ऐसी घटनाएं समाज में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आरोपियों को इस मामले में सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो नानपारा कोतवाली के ताजपुर टढ़िया गांव में जो ये पूरा मामला हुआ है, दलित बच्चों के मुंह पर जो कालिक पोता गया है, इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद में बहराइच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आसपुर कड़िया थाना नानपारा के निवासी रजत राम द्वारा एक FIR पंजीत कराई गई, जिसमें SC ST एक्ट और 109 BNS धारा के अंतर्गत इसमें 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। लाए हैं तो कह मुहमा करखा पोतिन है, मुंडा बनाइन है, तो कह नंबर लिखिन है, नंबर लिख के तक ऐसे बांध के तो पूरे गांव टहरेन है, दुर्गा मैया तीर हम पाए गए हैं। लड़के का नाम क्या? बच्चन का सर चोरी लगाया, बच्चन के बार छीला, बच्चन के सर पे वो नंबर लिखा कि चोर है, और तिके बाद में उनको केबिल से मारा गया है। सर इतने उपाय हो गए बच्चन के साथ कि क्या करो।